तो जोहर गाइस, और सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजे व्लॉग्स सादरी मोटर व्लॉगर। और आज डे टू है मेरे सोलो राइड का। और कल मैं आया था हाशिमारा टू घोषपुकुर, बारिश इतनी भयानक मिली थी, आप लोगों ने वो व्लॉग देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फिलहाल टाइम हो चुका है 8:45, 8:45 हुआ है और गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी है मेरी। जाओ 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 यार भाई साहब, ये स्ट्रेट बस वाले फिर अलग चोट है इनका। तो मैं बोल रहा था कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी है तो इसको वॉश कराएंगे। देखिए धूप होती तो दिक्कत होता, बट बाकी सब बढ़िया है। तो जो कोई भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करे तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ ऊपर से जुन ऊपर से और काफ़ी कुछ देखने को मिले। दार्जिलिंग 99, गुवाहाटी 550, जलपाईगुड़ी 73। तो व्लॉग को देखते रहिए और मज़े उठाते रहिए। तो अभी मैं हूँ बागडोगरा में और ऐसा कुछ सीन है, पानी टंकी दिस साइड, सिलीगुड़ी दिस साइड और फुलवाड़ी। कौन साइड और कहाँ? और मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो है नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कोविड-19 स्क्रीनिंग टनल, जब ये पूरा काम में आता था। यहाँ से तो कोनो कारक ना क्या, तो यहाँ से सीधा जाना है। कौन साइड से जाओ रोहिणी? कौन साइड? इस साइड अंकल, खरसांग जाने के लिए रोहिणी वाला रास्ता कौन सा है? और ये पंखा बड़े, हाँ थैंक यू। तो अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, मैंने राइट टर्न लिया जो कि है रोहिणी वाला रूट। ये जो है ये रोहिणी वाला से जाएंगे और ब्लॉग में काफ़ी देखा था और आते हुए कोशिश करेंगे पंखा बाड़ी देखे है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह में जहाँ चढ़ाई है चढ़ाई। अभी हम लोग है थोड़ा सा डाउन में है और पीछे तरफ का सीन नज़ारे देखिए आप, सीन ऐसा कुछ है। और थोड़ा सा रुका हूँ, बाइक इस साइड में है और अभी लग रहा है कि हिल रहा हूँ वैसे लग रहा है, बट कोई बात नहीं। और बहुत सारे राइडर लोग यहाँ से आते हैं, उधर भी आ रहे हैं, बाइक वहाँ पे पार्क है। और ये जो एरिया है यहाँ पे आप लोगों से बात कर लिया और अभी चलते हैं वहाँ पर। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और पीछे जो आप देख रहे हैं वो है आई लव खरसांग, मतलब इन्वर्टेड अभी दिख रहा है, लेकिन जब मैं उस साइड जाऊंगा तो आप लोगों को एक सिनेमैटिक आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। और
कितना हाइट में हूँ अगर मालूम करना है तो आप थोड़ा पीछे का व्यू देखिए। ये कुछ है यहाँ का व्यू और ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप है यहाँ से, और अपना ब्लैक पैंथर वहाँ पे, और ये पूरा एरिया और नीचे गाड़ियाँ चल रही है, मतलब ज़बरदस्त वाला सीन हो रहा है यहाँ से और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है। और ठंडी तो लगेगी ही, यहाँ बैठे हैं ब्लैक पैंथर इधर रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है मुझे ब्लैक पैंथर के ऊपर में, बट फिलहाल ओके है। और अब जाएंगे थोड़ा 1.6 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, कहाँ वाला सीन है। मैं तो कहूँगा अपने दोस्तों दिल्ली से एक बार यहाँ आइए, यहाँ पे बाइक चलाइए, फ़ोटो वोटो क्लिक करते हैं आई लव फैशन में, और अपना ब्लैक बीच जो है यहाँ पे है, और इस साइड में सीन कुछ ऐसा है और मज़े काफ़ी है यहाँ के। और इस साइड में टी प्लांटेशन हुआ है जो कि ये जो एरिया है, और उधर जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ वहाँ पे भी पूरा है। और हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे, और सिनेमेटिक्स तो आप लोग ने देख लिया होगा और आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो करना क्या है पता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है, और ये है आई लव खरसियांग का बोर्ड, यहाँ पे बहुत सारे क्लिक किए मैंने पिक्चर, और अगर आपको मेरा पिक्चर देखना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में जाइए, और आप लोगों के लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स तैयार किया था तो आप लोगों को पसंद आया होगा। बैठ नहीं, डबल हेलमेट का आपका कैमरा ऑन है, आपका हेलमेट आपका सिर्फ उनका चाहिए। हाँ वो चीज़ तो ये बड़ा बात नहीं, नहीं वही चीज़ बोल रहे, हाँ जानकारी होना चाहिए ये चीज़ है, लेकिन लगाना पड़ेगा। ठीक है एक बार कैमरा में आप बोल दीजिए कि डबल हेलमेट कंपलसरी हो गया बोल के, इस एरिया में आपको डबल हेलमेट लगाना पड़ेगा। ओके ओके, तो आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम सुनील है। तो ये अंकल आए थे तो इन्होंने हमें बताया कि डबल हेलमेट हिल साइड में कंपलसरी है, तो जो कोई भी इधर खरसियांग आ रहे हैं या कोई भी हिल साइड अगर आप जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि डबल हेलमेट अगर पिलियन से आप आ रहे हैं तो आपको लेना ज़रूरी है। हाँ हाँ यूट्यूब है, हाँ ये सर्च करिए, मोबाइल है आपके पास? हाँ मोबाइल में निकालिए। अब सीन कुछ यहाँ पे ऐसा है कि अभी हम लोग ऊपर गए थे और मोटो ब्लॉग में लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी चालान कट रहा था, और मेरा तो पता नहीं ये क्या हो गया है कि यहाँ पर चालान कट रहा है। अभी मैं हूँ, अभी ये रेस्टोरेंट का क्या नाम है, लकी रेस्टोरेंट में, और वो जो पीछे है वहाँ पे लिखा हुआ है व्यू पॉइंट आई लव खरसियांग वाला, ये रेस्टोरेंट है तो काफ़ी अच्छा व्यू है। टाइम लैप्स अगर होता है टाइम लैप्स किया मैगी, मेरा पर्सनल फेवरेट है, और खरसियांग का मैगी कैसे लगता है वो टेस्ट करेंगे। तो आंटी ने हमारे लिए स्पेशली प्रिपेयर कर दिया है विथ एग, तो देखता हूँ खाने के बाद टेस्ट कैसा, और आंटी से भी थोड़ी देर बात करेंगे तो अगर
शांति मान गई ब्लॉग में आने के लिए, तो बाकी सब बढ़िया है। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, जाते वो वाला रास्ता से आता है इस साइड से, बाकी सब बढ़िया। थैंक यू विजिट अगेन।